हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11। हम जर्नल चैप्टर जो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, ये चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसका ये सारा टॉपिक्स हमने पिछले क्लासेस में कवर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो जरूर उसको देख लेना आज। और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है वो है फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंड देन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग और फिर रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन जर्नल, ठीक है। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज के क्लास में क्या क्या है फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ठीक है। तो आप जर्नल करने जा रहे हैं, ठीक है, तो जर्नल किस तरीके से होगा, उसका क्या फॉर्मेट है, कैसे रिकॉर्ड करना है, तो उसके बारे में तो पहले जानना होगा। तो आज मैं आपको वही समझाऊंगा कि फॉर्मेट क्या होगा जर्नल का, कैसे उसमें रिकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है। आपको एक कुछ कॉलम इसमें दिख रहा है, सभी कॉलम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। डेट है पर्टिकुलर्स, आपको इस तरह से ऊपर में जर्नल लिखना होगा बीचों बीच, एंड डेट का एक कॉलम बनाना होगा, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बनाना होगा, लेजर फोलियो का एक कॉलम बनाना होगा, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अमाउंट ही लिखिएगा, अमाउंट क्रेडिट एंड अमाउंट में यहाँ पर क्या होना चाहिए, रुपीज साइन भी होना चाहिए क्योंकि हम इसको रुपीज में लिखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट, ठीक है। ये इतना सा बना के दिखाया मैंने, लेकिन हमको आपके पास जितना एंट्री है उस हिसाब से ये बड़ा होगा। नाउ एक एक करके कॉलम का बात करते हैं। सबसे पहला क्या है, डेट कॉलम। सबसे पहला है देखो डेट कॉलम। तो डेट कॉलम में क्या होगा, डेट कॉलम में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं जिस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। ट्रांजैक्शन डेट क्या लिखना है उसमें, ट्रांजैक्शन डेट, जिस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है। एंड डेट लिखने का भी आपको फॉर्मेट फॉलो करना होगा। क्या फॉर्मेट फॉलो करना होगा, मान लीजिए 2020 अप्रैल 1 लिख रहे हैं हम लोग, तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए इस तरीके से लिखेंगे 2020 अप्रैल 1, ठीक है। और जो फॉर्मेट एक बार हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी फॉर्मेट से हम लोग कंटिन्यू चलना पड़ेगा, ठीक है। और ईयर को बार बार नहीं लिखना है, मान लीजिए 2020 में ही बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 2020 एक बार हमने लिख लिया और उसके बाद सिर्फ अप्रैल 1, फिर अगर अप्रैल 3 को हुआ है तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे अप्रैल 3, 2020 दोबारा नहीं लिखेंगे। जब ईयर चेंज होगा जिस ट्रांजेक्शन में, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर में फिर से ईयर लिख देंगे। अगर ईयर चेंज नहीं होगा तो ईयर ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो 2020 अप्रैल 1 ये हमारा फॉर्मेट है। और आगे और उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में मैंने इस तरीके से लिख दिया, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में मैंने लिख दिया 1420, तो नहीं चलेगा। फॉर्मेट जो मैंने स्टार्ट किया उसी से मुझे कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इस फॉर्मेट में लिखने का, ज्यादातर जगह पे जो है इसी फॉर्मेट में जो डेट है ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ये हो गया डेट वाला। पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या करते हैं, नंबर 2 सेकेंड वाला कॉलम देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम क्या है, पार्टिकुलर्स, है ना। तो पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या करते हैं हम लोग, पर्टिकुलर्स कॉलम में डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है, मतलब एंट्री इसमें करते हैं, एंट्री ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है या कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो हम लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एंट्री है जिसमें कैश डेबिट हो रहा है और सॉरी गुड्स डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, तो उसका एंट्री किस तरीके से करेंगे। अगर डेबिट हो रहा है तो इस तरीके से एंट्री करेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट के लिए हम लोग डॉट 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 करके इसके सामने डी आर इस तरह से डेबिट दिखाएंगे। और क्रेडिट अगर होता है तो क्रेडिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे पैराग्राफ छोड़ते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, इसके बराबर में नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ऐसे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। और ये जो टू लिखा हुआ है और थोड़ा सा गैप देखिए लिखा हुआ है, इसी से समझ में आएगा ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको हमेशा पहले लिखना है, ऊपर में लिखना है और ऐसे देखिए इसमें डी आर का साइन देना, दैट मीन्स ये डेबिट हो रहा है, ठीक है। अब ये किसका एंट्री है उसका एक नरेशन भी इसमें हम लोग को देना होगा, फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, इस तरीके से एक नरेशन देंगे, ये एंट्री कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे अमाउंट, ये गुड्स अकाउंट डेबिट बोला है तो अगर 10,000 का ट्रांजैक्शन है मान लीजिए तो डेबिट कॉलम में यहाँ पे 10,000 एकदम इसके स्ट्रेट में, और टू कैश अकाउंट इसके स्ट्रेट में यहाँ पर 10,000 लिखना है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा एंट्री कंप्लीट। उसके बाद पर्टिकुलर कॉलम में एक और काम करना है, हर एक एंट्री कंप्लीट होने के बाद सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में क्या करना है, इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है और इसके नीचे अगला ट्रांजैक्शन लिखना है। ये जो अंडरलाइन है इसका मतलब ये सेपरेट एंट्रीज है, क्योंकि सेम डेट में बहुत सारे एंट्रीज हो सकते हैं, तो इसीलिए एंट्रीज को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, बीच में से एक मार्जिन खींच दिया जाता है। तो इससे पता लगता है कि ये एंट्री और यहाँ पे होने वाला एंट्री दोनों सेपरेट है, ठीक है। और यहाँ से क्या पता लगे, 10,000 गुड्स में डेबिट हो रहा है, इससे क्या पता लग रहा है, 10,000 जो है कैश में डेबिट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेजर फोलियो कॉलम, ठीक है ना। तो लेजर फोलियो कॉलम में क्या होता है, इसका बहुत बड़ा यूसेज है। लेजर फोलियो में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पेज नंबर ऑफ रिकॉर्ड, लेजर, पेज नंबर ऑफ लेजर। क्या होता है कि जर्नल करने के बाद, ये जर्नल करने के बाद जर्नल देख देख के सारा का सारा एंट्रीज को फिर पोस्टिंग किया जाता है, किसमें, लेजर में पोस्टिंग किया जाता है। तो लेजर में जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं, मान लीजिए ये वाला ट्रांजैक्शन को हमने लेजर में पोस्टिंग किया, तो हमने लेजर के कौन से पेज में पोस्टिंग किया ये यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, दैट इज लेजर फोलियो। लेजर के मान लीजिए ये वाला एंट्री को लेजर का 5 नंबर पेज में ट्रांसफर किया, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे 5, तो समझ में आ जाएगा कि लेजर का 5th पेज में ये पोस्टिंग किया हुआ है। तो इससे ये देने से क्या फायदा होता है, कभी कभी भी अगर क्रॉस चेक करना हो कि ये एंट्री हमने किया कि नहीं, या फिर लेजर से जर्नल का क्रॉस चेक करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर लेजर फोलियो चेक कर लेंगे। जिस तरह से जर्नल में लेजर फोलियो है, लेजर में होता है जर्नल फोलियो। तो जर्नल फोलियो में क्या मेंशन किया था, जर्नल के कौन से पेज से ये एंट्री आया, तो वो पेजेस मैच करके जो है इजीली हम ट्रैक कर सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को सही से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये है लेजर फोलियो का यूसेस, बहुत ही सिंपल है। डेट में ट्रांजैक्शन डेट लिखना है एंड प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करके पर्टिकुलर्स में डिटेल एंट्री करना है विद अ नरेशन, ठीक है। एंड देन उसको सेपरेट करने के लिए एक अंडरलाइन कर देना है। लेजर फोलियो में हम लोग पेज नंबर ऑफ लेजर मेंशन करेंगे जिस पेज में हम लोग इसका ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। देन कम्स दो अमाउंट का कॉलम, अमाउंट अमाउंट, ठीक है। तो इसका तो हमने आपको फंक्शन दिखाई दिया, कॉलम नंबर 4 एंड 5, 4 एंड 5, ये दोनों किसका कॉलम है, दोनों है अमाउंट का कॉलम। तो फर्स्ट वाला कॉलम जो है कॉलम नंबर 4, ये डेबिट का है एंड कॉलम नंबर 5 क्रेडिट का है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हम लोग डेबिट करेंगे डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, और जो अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे उसी के बराबर में, देखो इसी के बराबर में हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट वाला अमाउंट लिखेंगे। तो जर्नल एंट्रीज जब करूंगा तो ये वाला चीज जो है और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये फॉर्मेट को अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट रुपीज लिखना है, अमाउंट क्रेडिट यहाँ पे रुपीज का साइन आपको देना है दोनों में, ठीक है। और डेट जब लिखेंगे इस फॉर्मेट को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, डेट का जो ईयर है वो एक ही बार लिखना है ऊपर में, एंड उसके बाद जो डेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डेट जो है लिखते जाना। अगर बीच में ईयर चेंज हो जाता है तो उस समय में जिस टाइम जिस ट्रांजैक्शन में ईयर चेंज हो रहा है उस ट्रांजैक्शन के ऊपर फिर से ईयर लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, बना लेना कॉपी में और प्रैक्टिस करते करते वैसे भी ये याद हो ही जाएगा कि ये मतलब जर्नल जो है क्या है, फॉर्मेट। तो आप अगर एग्जाम में फॉर्मेट भी बना देते हैं तो भी थोड़ा बहुत मार्क्स जो है मिल जाता है। नेक्स्ट है स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग, जर्नलाइज करते समय क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, क्या उसका स्टेप्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को पढ़ना है अच्छे से, ट्रांजैक्शन को पढ़ के उसको एनालिसिस करना है कि किसको हम डेबिट करें एंड किसको क्रेडिट करें, ये डेबिट एंड क्रेडिट किसको करें, इसके लिए आपको क्या कौन से बात का ध्यान रखना होगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन है परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, डबल एंट्री सिस्टम में मैंने बताया हुआ है, फर्नीचर एंड कैश दोनों क्या है, दोनों ही रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में जो रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर आप एनालिसिस करेंगे, पहले तो पता लगा कि रियल रियल अकाउंट है, ठीक है।
तो आप देखिए इसमें से कौन सा आ रहा है और कौन सा जा रहा है। पर हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आ रहा है, दैट मीन्स फर्नीचर विल बी डेबिटेड, एंड कैश से खरीदा है तो कैश जा रहा है, दैट मीन्स कैश विल बी क्रेडिटेड। तो इस तरीके से आपको पहले एनालिसिस कर लेना है कि किसको मैं डेबिट करूँ, क्या पहले तो देख लेना है व्हाट इज द टाइप ऑफ अकाउंट विच इज इन्वॉल्व, फिर व्हाट आर द अकाउंट्स विच इज इन्वॉल्व। जैसे कि यहाँ पे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि टाइप ऑफ अकाउंट इज रियल अकाउंट, देन व्हाट अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। अब इसमें से ये आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज गोइंग आउट एंड व्हाट इज कमिंग इन। तो मैंने देखा फर्नीचर इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट, फर्नीचर इज कमिंग इन व्हाई, क्योंकि फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ एंड कैश से परचेज कर रहा हूँ तो कैश जा रहा है। तो अब रूल के दिमाग में लाना कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर इज कमिंग इन तो फर्नीचर डेबिट होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो दैट मीन्स कैश विल बी क्रेडिटेड। तो इस तरीके से पहले आपको एनालिसिस कर लेना है क्या रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। सेकेंड चीज का आपको ध्यान रखना है, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट वर्ड अकाउंट और ए सी आफ्टर पर्सनल अकाउंट। अगर टाइप ऑफ अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो जैसे फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट ऐसे लिखा जाता है, फर्नीचर अकाउंट, अकाउंट का ये शॉर्ट फॉर्म है, ए कैपिटल ऑब्लिक सी स्मॉल, कैश अकाउंट और भी बहुत सारे चीज होगा। तो उस तरह से अगर पर्सनल अकाउंट हुआ तो पर्सनल अकाउंट के पीछे ये अकाउंट वर्ड नहीं लिखने से भी होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट के पीछे आप जो अकाउंट वर्ड है इसको मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। ये स्टेप टू है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जनरल करने के लिए, ठीक है। तो एकदम ध्यान से इसको समझना और सुनना। नंबर थ्री बोले आफ्टर एवरी एंट्री अ लाइन शुड बी ड्रॉन इन द पर्टिकुलर कॉलम टू सेपरेट ईच एंट्री फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन। ये तो अभी अभी हमने फॉर्मेट के समय मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हर एक एंट्री का एंट्री कंप्लीट करने के बाद आप नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखने के बाद क्या करेंगे पर्टिकुलर कॉलम में, पूरा नहीं सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस वो लाइन क्या करेगा हर एक ट्रांजेक्शन को सेपरेट करेगा। तो ये हो गया स्टेप थ्री। स्टेप फोर का ध्यान रखना है कि एट द एंड ऑफ ईच पेज बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स आर टोटल। जर्नल जब हम बनाएंगे, जर्नल तो एक लंबा सा होगा तो वो एक पेज में खत्म नहीं होगा, क्या करना होगा हमको हर एक पेज में जो है उसको करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ ईच पेज हम लोग डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम को टोटल करेंगे, ठीक है। और डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हर एक एंट्री में हम जितना अमाउंट डेबिट कर रहे हैं उतना ही अमाउंट तो क्रेडिट कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में दिखाया, जितना अमाउंट हम डेबिट करते हैं हर एक ट्रांजेक्शन में उतना ही अमाउंट हम क्रेडिट भी करते हैं। इसीलिए जब हम टोटल करेंगे तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल जो है सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डेबिट का टोटल करके क्रेडिट का टोटल ऐसे ही लिख दिया, ऐसा कभी मत करना। कभी कभी क्या होता है गलती हो जाता है, तो क्रेडिट का अगर टोटल करेंगे दोनों का अलग अलग टोटल करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा हमने गलत किया या सही किया, ठीक है। और अगर आप 100% कन्फर्म है या दिख रहा है आपको कि नहीं मैंने सारा अमाउंट एकदम बराबर लिखा है, तो एक कॉलम का टोटल कीजिए और दूसरे में भी लिख दीजिए, क्योंकि ये टोटल हमेशा ही टैली करेगा, ठीक है। डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल हमेशा टैली करना चाहिए। नाउ मान लीजिए कि आपका जर्नल खत्म नहीं हुआ है और पेज खत्म हो गया, फिर दूसरे पेज में करना होगा, तो आपको क्या करना है एकदम लास्ट वाले ट्रांजेक्शन के बाद एक लाइन छोड़ के रखना है तो जिसमें आप टोटलिंग करेंगे, एंड टोटल से पहले आप क्या वर्ड मेंशन करेंगे, इस फ्रेज को मेंशन करेंगे कैरिड फॉरवर्ड, मतलब ये टोटल को हम लोग नेक्स्ट पेज में लेके जा रहे हैं, ठीक है। कैरिड फॉरवर्ड ये लिखना है आपको, जैसे कि ये मान लीजिए टोटल पेज है जिसमें आप जर्नल कर रहे हैं, पूरा जर्नल करके खत्म हो गया, एकदम लास्ट लाइन में आपको क्या करना है कैरिड फॉरवर्ड लिखना है और डेबिट क्रेडिट का टोटल कर देना है। फिर ये डेबिट क्रेडिट का टोटल अगले पेज में, ये मान लीजिए मेरा अगला पेज है, इसको जर्नल स्टार्ट करने से पहले ऊपर फर्स्ट फर्स्ट पर्टिकुलर में हम लोग लिखेंगे क्या ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। कैरेट फॉरवर्ड मतलब आगे लेके जा रहे हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड आगे लेके आए, और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का टोटल देके फिर आगे ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे सेम वे में, ठीक है। ये जिसका ध्यान रखना है दिखाऊंगा अभी मैं एक क्वेश्चन इसका, इस तरीके से कि पेज खत्म हो जा रहा है तो लास्ट वाले रो में हम लोग कैरेट फॉरवर्ड का टोटल लिखेंगे, और इसी के कंटिन्यूएशन में अगला पेज में जब करेंगे तो ऊपर में ब्रॉट फॉरवर्ड लिखेंगे एंड डेबिट क्रेडिट का टोटल को आगे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये चार बातों का ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो एनालिसिस करना है, अगर मैंने एनालिसिस ही गलत कर दिया तो मेरा सारा का सारा सॉल्यूशन इसका जो है ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो आपको टाइप ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, एंड देन क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके बाद आप रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट फॉलो करिए और रिकॉर्डिंग कीजिए, आपको कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग, देन वी विल सी रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। ऑलरेडी रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग में हम लोग क्या फॉलो करेंगे, बेसिकली हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ही फॉलो करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी,
उसी को थोड़ा सा रिवाइज फिर से करा देता हूँ। मैंने देखिए स्टार्टिंग में ही बोला हुआ है कि ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के ही बेस पे जो है पूरा अकाउंटेंसी आप करने वाले हैं, तो अगर आपने इसमें कहीं पर भी गलती किया हुआ है समझने में तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं हर क्लास में बार 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 इस चीज को जो है दोहरा दे रहा हूँ। तो सबसे पहला कैटेगरी ऑफ अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन है पेड पेड 10,000 टू अनीश, पेड 10,000 टू अनीश, पेड रुपीस 10,000 टू अनीश। तो यहां पर अनीश को 10,000 पे किया जा रहा है, तो अनीश यहां पर क्या है, गिवर है या रिसीवर है? एनालिसिस कीजिए, अनीश इज अ रिसीवर है ना। तो अनीश अगर रिसीवर है यहाँ पर तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, अनीश अनीश इज अ रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर बोला है ना, तो इसका मतलब अनीश डेबिट। देखिए ये पर्सनल अकाउंट है इसलिए मैंने अकाउंट नहीं लिखा, ठीक है। टू, अनीश को कैश दिया गया, कैश है क्या है, रियल अकाउंट है, तो कैश इज गोइंग आउट, फिर इसमें देखिए मिक्स हो गया, रियल अकाउंट का भी इसमें रूल लग जाएगा, कैश इज अ रियल अकाउंट। अनीश को कैश दे रहे हैं हम, तो अनीश को मिल रहा है लेकिन हमारा कैश कम है, हमारा कैश जो है कम हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट ये हो जाएगा इसका एंट्री, इस तरीके से एनालिसिस करना है। अब मान लीजिए पेड रुपीज 10,000 टू अनीश था, इसके जगह पे रिसीव्ड रुपीज 10,000 फ्रॉम अनीश। तो अब यहाँ पर अनीश अनीश यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, मैं पर्सनल अकाउंट का बात कर रहा हूँ, तो ये जो पर्सनल अकाउंट है ये अभी गिवर है या रिसीवर है, क्योंकि रिसीव किया हमने अनीश से 10,000, तो अगर अनीश से हमने रिसीव किया दैट मीन्स अनीश इज अ गिवर, तो क्रेडिट द गिवर बोला है ना, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अनीश अकाउंट, अनीश लिखेंगे सिर्फ, अकाउंट नहीं लिखने की जरूरत है, टू अनीश, ठीक है। तो समझ में आया, पर्सनल अकाउंट में पहले एनालिसिस करने लेना कर लेना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ अकाउंट एंड देन रूल को लगाना है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं क्या है, अगला टाइप ऑफ अकाउंट जो है वो है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का मैंने रूल बताया था, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एक एंट्री ले लेते हैं इसको समझने के लिए, मान लीजिए मशीनरी मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश रुपीस 50,000। तो यहाँ पर दोनों ही रियल अकाउंट है, मशीनरी भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन बोला है, तो क्या इसमें आ रहा है आपके पास, आपने मशीनरी परचेज की, दैट मीन्स मशीनरी इज कमिंग इन, मशीनरी मिल रहा है हमको, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या जा रहा है, कैश, कैश के लिए खरीदा तो कैश जा रहा है, तो इट इज गोइंग आउट, है ना। तो इसका एंट्री क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन बोला है, तो यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, तो इसलिए टू कैश अकाउंट, ठीक है, फॉर मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 50,000। तो इस तरीके से रियल अकाउंट का एंट्री करेंगे। रियल अकाउंट के बाद अगला टाइप ऑफ अकाउंट क्या बताया था मैंने, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाते समय याद कीजिए, द नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट इज व्हाट, यस नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल्स बताया था, नॉमिनल अकाउंट में बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट इनकम। जैसे कि मान लीजिए वेजेस पेड, वेजेस पेड इज, वेजेस पेड इज व्हाट, वेजेस इज एन एक्सपेंस, है ना, आपने अपने कंपनी में वर्कर्स को रखा, उसको आप काम कराने के बदले पे करते वेजेस, तो आप पे करते इसका मतलब क्या है, वो एक्सपेंसेस है, वेजेस पेड रुपीज 500 मान लीजिए, तो ये क्या होगा, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस को क्या बोला है इसमें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस बोला है, यानी कि वेजेस को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, इस तरह से जितने भी एक्सपेंसेस होगा सारा एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, और ये कैश में पे कर रहे हैं यानी कैश जा रहा है, तो इसलिए टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्रेडिट ऑल इनकम, मान लीजिए आपने रेंट रिसीव किया, रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव इज ए इनकम,
ठीक है ना, रेंट रिसीप्ट इज अ इनकम। तो रेंट रिसीप्ट अगर इनकम है तो रूल में क्या बता रहा है कि क्रेडिट ऑल इनकम है ना, तो यानी कि रेंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ये हो जाएगा रेंट अकाउंट, सॉरी रेंट को हम क्रेडिट करेंगे और हम लोग रेंट को रिसीव कर रहे, दैट मीन्स कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, है ना, क्योंकि कैश आ रहा है हमारे पास। ये कैश क्या, रियल अकाउंट के कैटेगरी में है, कैश आ रहा है, तो बोला है ना डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल अकाउंट में ये क्या है, इनकम है, इनकम हो रहा है इसलिए लिखेंगे टू रेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये है रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग। तो आज फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मेट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके स्टेप्स को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, एंड रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग यानी कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को दोबारा से अच्छे से गो थ्रू कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है क्या कर पाएंगे, जो एंट्रीज है उसके बारे में सीखेंगे कि एंट्रीज कैसे करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये जो चीज़ मैंने बताया दो पिछले दो क्लासेस में अगर ये आपका क्लियर नहीं है, तो आप आगे आने वाला जो क्लास है, ठीक है, जर्नल का, इसके बारे में मतलब आपको डाउट रह जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे ठीक से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जर्नल को एक्चुअल में प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जो मैंने टॉपिक दिया है उसको रिवाइज करते रहिए।